The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम है हमारे इस चैनल में, जहां पे हम आप लोगों को समझाते हैं मेडिकल जानकारी सिंप्लीफाइड भाषा में, ताकि आपके काम आ सके, आपके समझ आ सके और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि भाई हाँ, हमें ये इलाज कराना है, नहीं कराना है, ये बीमारी क्यों है और हमें क्या क्या बदलना है अपने जीवन शैली में। सो ऐसे में हम आपको कई सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू भी देते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट्स बताते हैं। और आज बारी है शिलाजीत की। तो शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि प्राइमरीली बहुत हिमालय पहाड़ों में पाया जाता है और ये बहुत सालों के बाद बनता है पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से। पेड़ पौधे जब डिकम्पोज होके एकदम डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो इस तरीके का स्टिकी सब्सटेंस बना देते हैं। शिलाजीत एक कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको बोलने के लिए काफ़ी इफेक्टिवली और सेफ सप्लीमेंट माना जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल वेलबींग पे, राइट। सो शिलाजीत को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है पहले वो देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। शिलाजीत के बेनिफिट्स देखे गए हैं कई सारी बीमारियों में। नंबर एक है इसमें अल्जाइमर्स डिजीज़। जी हाँ, ओल्ड एज में, ओल्ड एज यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर्स जिसको होते हैं अल्जाइमर्स, बुढ़ापे में बहुत कॉमन सी कंडीशन है, मेमोरी, बिहेवियर, थिंकिंग, लॉजिक, इन सब में प्रॉब्लम आना। और इसके लिए दवाइयाँ वैसे अवेलेबल हैं, एलोपैथिक मेडिसिंस हैं जो सिम्टम्स को इम्प्रूव करेंगी, मगर अगर हम शिलाजीत के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो रिसर्च ये बताता है कि शिलाजीत के सेवन से रेगुलरली आप ना सिर्फ अल्जाइमर्स डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि अगर हो भी गया तो उसके प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। ऑल्दो इस पर रिसर्च चल रहे हैं और इसका जो मेन श्रेय जाता है ये शिलाजीत के अंदर प्रेजेंट एक एंटीऑक्सीडेंट को जाता है जिसका नाम है फुलविक एसिड। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि कई सारे बेनिफिट करता है बॉडी के अंदर, ना सिर्फ इस तरीके के अल्जाइमर जैसी बीमारियों में, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और यहाँ पर क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन के अंदर एक टाओ प्रोटीन नामक प्रोटीन होता है जो कि जमा होने की वजह से आपके ब्रेन में अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसे मेमोरी, बिहेवियर और थिंकिंग के प्रॉब्लम आने लगते हैं। और टाओ प्रोटीन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, आपके पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम का, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होकर बिल्डअप होने लग जाता है तब ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। तो इसका एक्यूमुलेशन को ये शिलाजीत प्रिवेंट करता है, रिसर्चर्स ये बोलते हैं। और टाओ प्रोटीन के बिल्डअप को कम करने से आपका इन्फ्लामेशन कम होता है और अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्टम्स जो है बेटर होने लगते हैं। इस पर रिसर्च और चल रहा है और जब इसकी पुष्टि होती जाएगी तो आगे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बीमारी जो है जिसमें इसको खूंखार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में, वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। लो सेक्स ड्राइव हो गया, हेयर लॉस हो गया, मसल मास हो गया, फटीग हो गया, बॉडी फैट इवन बढ़ाने के लिए, मतलब सेहत बनाने के लिए, सेक्सुअल ड्राइव के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए शिलाजीत को बहुत सालों से इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी अगर हम देखेंगे तो कई सारे मेल एक ट्रायल्स है जिसमें एक ट्रायल का एग्जांपल देंगे जिसमें 45 से 50 साल की उम्र में एक ग्रुप को जिसको प्लासीबो दिया यानी कुछ नहीं दिया और दूसरे ग्रुप जिसको 250 मिलीग्राम डोज में प्यूरिफाइड शिलाजीत दिया दिन में दो बार, तो 90 दिनों के बाद स्टडी देखी गई है कि जिनको शिलाजीत दिया उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लासीबो वाले ग्रुप से सिग्निफिकेंटली हाई था। सिग्निफिकेंटली हाई का मतलब है कि शिलाजीत से फर्क पड़ता है। अब ये बात तो तय है, तो शिलाजीत इज गुड, बट हाँ अभी साइड इफेक्ट्स भी देखेंगे, पर पहले बेनिफिट्स। थर्ड नंबर का बेनिफिट है ऐसे पेशेंट्स में जिनको एक्सट्रीम
फटीग या टायर्डनेस महसूस, कमजोरी महसूस होती है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो कि एक बहुत डिफिकल्ट डायग्नोसिस है, बहुत कारण पता नहीं चलता क्यों कमजोरी है, क्यों कमजोरी है समझ में नहीं आता, उस चीज में भी शिलाजीत जो है काम करते हुए देखा गया है। रिसर्चेस में यह पाया गया है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है आपके सेल्स के अंदर, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीनरी है, वहां के डिसफंक्शन के वजह से CFS यानी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। जब आपके शरीर, आपका सेल्स सही मात्रा में प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो ये देखा गया है कि अगर शिलाजीत दिया जाता है रैट्स में, ये रैट में स्टडी हुई थी 21 दिन के लिए, तो ऐसे रैट्स जिनको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एनर्जी लेवल्स, उनकी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बेटर होती है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी शिलाजीत काम करता है, ऑल्दो ये रैट्स की स्टडी है, एनिमल स्टडीज और ह्यूमन स्टडी में फर्क होता है, तो ह्यूमन स्टडी होनी बाकी है मगर पोटेंशियल है। एजिंग में भी उम्र के तकाजे को देखते हुए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फुल्विक एसिड या किसी प्रकार का एक एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करता है। और जी हाँ, शिलाजीत भी बिल्कुल जैसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हर तरीके के फल फ्रूट जो पौधे हैं और जो आप फ्रूट्स खाते हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लॉन्जिविटी को, स्लो एजिंग प्रोसेस को, ओवरऑल बेटर हेल्थ को। सो शिलाजीत को भी इस तरह अपने डाइट में इंक्लूड करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर एक और बेनिफिट देखा गया है इसका हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पे, मतलब जब आप ऊंची जगहों पे जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ एयर प्रेशर, ऑक्सीजन प्रेशर के वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लिथार्जी, बॉडी पेन, डेमेंशिया, हाइपोक्सिया। सो इसको एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, लो वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, कोल्ड टेम्परेचर के वजह से, या कभी कभी हाई विंड वेलोसिटी के वजह से भी होता है। इसमें भी शिलाजीत जो है, जो कि ऑलरेडी हिमालयाज के ऐसे एरियाज में पाया जाता है, काम करता है। शिलाजीत में फुल्विक एसिड के अलावा 84 अलग या उससे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, मेमोरी भी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन भी कर करता है, एनर्जेटिक भी है, एनर्जी बूस्टर भी है, और माइल्ड फॉर्म में डायूरेटिक भी है, पेशाब भी बढ़ाता है, तो शरीर की सूजन भी कम कर सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी शिलाजीत जो है आपका आयरन बढ़ा सकता है, आपका ग्रेजुअली करता है। तो कई लोग जिनकी खून की कमी है, फटीग, वीकनेस, कोल्ड हैंड्स, इरेगुलर हार्ट बीट, इसमें भी अगर उसमें आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कारण है, तो शिलाजीत काम करता है। ये भी रैट स्टडी में देखा गया है। तो स्टडीज चलती जा रही हैं हर एक इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको एक एक करके हम बताए जा रहे हैं। तो इस बीच शिलाजीत का नंबर आ चुका है। और अगर बात करें हार्ट के हेल्थ की, तो हार्ट के हेल्थ में भी रिसर्चेस में पाया गया है कार्डियक फंक्शन, कार्डियक परफॉर्मेंस लैब रैट में शिलाजीत लेते हुए लैब रैट का बढ़ जाता है। सो कार्डियक फंक्शन भी बढ़ाया जाता है, बढ़िया, अच्छी बात है, दैट इज देयर। फिर इनफर्टिलिटी की बात करें, जिनको फर्टिलिटी में इशू है, तो शिलाजीत इज ऑल्सो सेफ फॉर मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम। अब इसमें जब स्टडी हुई थी 60 से ज़्यादा इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स मेन को शिलाजीत दिया गया दिन में दो बार 90 दिनों के लिए, तो 90 दिनों के बाद 60 से ज़्यादा लोगों में 60% वाले लोगों का जो टोटल स्पर्म काउंट है वो बढ़ गया, मोर देन 12% लोगों का स्पर्म मोटिलिटी बढ़ गई। और स्पर्म मोटिलिटी बढ़ती है, स्पर्म काउंट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि शिलाजीत बिल्कुल बढ़िया तरीके से कई सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल करें कैसे। भैया शिलाजीत जो है पाउडर में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, और हमेशा इसके लिए कायदे से तो आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके अपने लिए डोज डिसाइड करना चाहिए, उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से। और जो भी डोज आपको दिया जाता है, एक डोज लिक्विड फॉर्म में है मान लो, तो उसको आपको एक पोर्शन लेना है जो चावल के दाने जितना या मटर के दाने जितना पोर्शन जो आपने लेके उसको अपने लेके उसको पानी में डिजोल्व करना है, और इसको दिन में एक या दो या तीन बार लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको डॉक्टर ने कैसे बोला है, और उसके हिसाब से पाउडर होगा
तो पाउडर भी आपको इस दूध के साथ लेना है, लिक्विड होगा तो पानी में, पाउडर होगा तो दूध में। और डोज जो बताई गई है उसकी, वो है 300 से 500 मिलीग्राम पर डे। अब ये एक जनरलाइज्ड एडल्ट डोज है, आप अपने लिए डोज अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ सकते हैं या अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो ये हुई बातचीत शिलाजीत के फायदों की। अब आखिरी में अगर शिलाजीत के नुकसान की बात करें तो शिलाजीत के साइड इफेक्ट जो हैं, बोला जाता है कि ये हर्ब है, नेचुरल है, सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम इज विथ रॉ शिलाजीत, अनप्रोसेस्ड शिलाजीत। जब रॉ शिलाजीत लिया जाता है अनप्रोसेस्ड, तो उसमें कि मिट्टी से निकाल के अगर डायरेक्ट खाओगे तो उसमें आपको ना सिर्फ शिलाजीत और मिनरल्स मिलेंगे, हैवी मेटल्स भी मिलेंगे, फ्री रेडिकल भी मिलेंगे, फंगस भी मिलेंगे, कंटेमिनेशन मिलेंगे और आप बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट पहाड़ों से उठा के खाया नहीं जाता, ठीक है? सब्जी भी निकालते हो जमीन से तो धो धा के काट के पका के खाते हो, है कि नहीं? डायरेक्ट कच्ची कच्ची नहीं खा जाते, तो धो के खाना जरूरी होता है। वैसे ही शिलाजीत को भी प्रोसेस करके, साफ करके, प्योरीफाई करके खाओ तो बेहतर है, बेसिक आइडिया है। वरना उसमें जो फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स ये होंगे, उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ अब अल्टीमेटली इशू क्या है, बिकॉज इसको नेचुरल बोला जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स पे कोई स्टडी नहीं हुई है अभी। पहले ये देखा जा रहा है ये इफेक्टिव है कि नहीं, जब इफेक्टिव होगा, दिख रहा है, तब उसके साइड इफेक्ट्स पे स्टडी की जाएगी कि इसके एग्जैक्ट साइड इफेक्ट्स क्या है। लेकिन फिर भी इसकी एक्टिविटी को देखते हुए ये बताया जाता है कि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है, हिमाक्रोमेटोसिस है, या फिर कोई भी प्रकार की ब्लड की बीमारी है, थैलेसीमिया होगी, तो आप शिलाजीत नहीं लेंगे। और उसके अलावा ये इसमें नहीं बढ़ाएगी, आयरन डेफिशिएंसी वाले एनीमिया में बढ़ाएगी, इनमें नहीं बढ़ाएगी, इनमें और दिक्कतें कर सकती है। आप अगर इससे एलर्जिक हो सकते हैं, तो अगर आपको रैश हो जाए, डिजीनेस हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए शिलाजीत लेने के बाद, तो तुरंत आप शिलाजीत बंद कर देंगे। इन सब जानकारी के चलते अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर की निगरानी के अंतर्गत शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप लिखिएगा, अगर उसका जवाब मौजूद है साइंस में तो हम देने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, दिस इज डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।